नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है एक क्लिक में 20 बड़ी खबरों का। और बड़ी खबरों में सबसे पहले नंबर पर है, पीएम मोदी ने देश की युवा शक्ति के सूत्रधार स्वामी विवेकानंद को उनके जन्म दिवस पर किया नमन। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है, गैलप सर्वे में पीएम नरेंद्र मोदी बने विश्व के तीसरे सबसे लोकप्रिय नेता। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है, आरटीआई से हुआ खुलासा कि पीएम मोदी के कपड़ों पर नहीं होता है कोई सरकारी खर्च। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है, सांसदों की सैलरी अब दोगुनी हो सकती है, पहले मिलते थे 50,000, अब मिलेंगे 1,00,000। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है, इसरो चीफ एएस किरण ने भारत को 100वां सैटेलाइट लॉन्च के मौके पर कहा कि देश को नए साल का तोहफा मिला है। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है, पाकिस्तान ने भारत के कार्टोसेट 2 सैटेलाइट लॉन्च का विरोध करते हुए कहा कि भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकती है। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है, चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू यादव ने जज से मायूस होकर कहा कि इस बार हम संक्रांति पर दही चूरा पार्टी नहीं मना पाएंगे। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है, मुंबई के मीरा रोड इलाके में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हवाई दुर्घटना से बाल बाल बचे। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरएसएस और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि इन दोनों संगठनों ने हिंदुओं को उग्रवादी बनाया है। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि एकल ब्रांड खुदरा कारोबार में 100% FDI देश के लिए है घातक। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने मोदी सरकार से कहा कि मुस्लिम देशों का मित्र बनना है तो मुस्लिम विरोधी मत बनिए। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नौसेना को आरे हाथों लेते हुए कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर पर जाओ, मुंबई में 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आरएसएस और भक्तों से राष्ट्रवाद पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है, पूर्व यूपीए केंद्रीय मंत्री आसिफ मोहम्मद खान ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इशारे पर चल रही है। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है, राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आरे हाथों लेते हुए कहा कि मुझे धक्के मारने वाले, मेरी तस्वीर पर पेशाब करने वाले अखिलेश यादव को नहीं छोड़ूंगा। और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है, उत्तर प्रदेश में हज हाउस के बाद अब शौचालय भी हुआ भगवा। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है, सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी ने कहा कि मदरसा के खिलाफ और राम मंदिर के समर्थन में बोलने के लिए विरोधी मुझे मरवा देंगे। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है, ग्रैमी अवार्ड विनर एंड सिंगर तन्वी शाह राष्ट्रपति भवन में फर्स्ट लेडी शो का करेंगी संचालन। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के कारण सलमान खान ने रेस 3 की शूटिंग बीच में छोड़ अपने घर वापस लौटे। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है, मुकेश अंबानी बिटकॉइन की तर्ज पर जियो क्वाइन ला सकते हैं। थी आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप भी रह सकें अपडेट।